स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए दोस्तों, आज हम बीजापुर में एक ऐसे हस्ती जिनका नाम है हकीम दावल साहब, उनसे और एक बार मुलाकात करते हैं। और दिन ब दिन जो कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है, इसे किस तरह से घरेलू उपाय करके रोके या फिर उसे किस तरह से बचें, ये जो पैनिक का माहौल चल रहा है दिन ब दिन लोगों में, उसे किस तरह से ख़त्म करें, इसके रिलेटिव हमारे हकीम साहब से हम जानते हैं। और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोगों को का अच्छे से अच्छा जो घरेलू उपाय है वो उसे कर कर किस तरह से बचे, इसके बारे में जानकारी दें। तो इसके बारे में हमारे हकीम साहब से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, हकीम साहब से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके चैनल के माध्यम से सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, आप ही के चैनल के माध्यम से तकरीबन 4 तारीख से लेकर आज तक 6 या 7 न्यूज़ हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और हर टॉपिक पे या फिर लोगों के सवाल जो तुम तक आए हैं और तुमने जो सवाल किए हैं उसके जवाब भी हमने दिए हैं, और हमने जो ज़रूरी समझा था वो भी जवाब दिए हैं। और आज फिर तुम्हारा एक सवाल आया है लोगों के माध्यम से कि लोगों का इलाज हो रहा है फिर भी तादाद बढ़ रही है, तो उसको कैसा रोका जाए। अब उसी के ताल्लुक से और थोड़ी वजाहत करने के लिए फिर मैं एक बार आसानी से समझाता हूँ कि मान लो आप ही के घर में कोई बुज़ुर्ग या नौजवान या आपके कोई दोस्त बीमार हैं और उनका खाना ऑलरेडी बंद हुआ है, उनको खाना खाया नहीं जा रहा है, बुखार कम नहीं हो रही है या फिर खांसी कम नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए आपके माध्यम से ही मैं अभी जानकारी दे रहा हूँ। आप भी गौर करिए और जो भी मेरा प्रोग्राम देखेगा और सुनेगा वो लोग भी गौर करें और हर एक तक शेयर करें ये प्रोग्राम, ताकि सबको ये सही समझ आ जाए, सही जानकारी मिले और सबके दिलों से डर ख़त्म हो जाए और जल्द से जल्द हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकें। तो देखिए, जिसका खाना बंद हुआ है, जो परेशान है, जो बीमार है, जिसको खाना खाया नहीं जा रहा है या फिर उठने बैठने में भी दिक्कत हो रही है, उसके अंग में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, ऐसे शख्स को घर वालों के लिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वो जो बीमार है उसको बिल्कुल खाना मत खिलाओ। और दवा देने से पहले मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी पर अमल ज़्यादा करो। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि उस पेशेंट को जो खाना नहीं खा रहा है या उसको खाना खाया नहीं जा रहा है और उसकी बुखार भी कम नहीं हो रही, उसके अंग में एनर्जी भी नहीं है, वो निडाल हो चुका है और घर में वो पेशेंट भी घबराया हुआ है और घर वाले भी घबराए हुए हैं, तो ऐसे इसमें घर वाले या उसके रिश्तेदार हैं वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको चाहिए हौसला रखिए और वो मरीज़ को खाना ना खिलाए। अब आप बोलेंगे खाना ना खिलाए तो कैसे, फिर वो बचेंगे कैसे? देखिए, खाना ना खिलाए इसका मतलब ये नहीं कि वो मरीज़ को भूखा मारना, तो उसको सुबह से दोपहर तक सिर्फ फ्रूट खिलाइए यानी फल खिलाइए। तो फलों में क्या क्या खिलाना है? बनाना यानी मौज या फिर जिसको हम केला कहते हैं उसे नहीं खिलाना है, सेब खिलाना है, पेरू खिलाओ, संतरा खिलाओ, पाइनएप्पल खिलाओ, पपीता खिलाओ, ये 4-5 तरह के जो हैं। और मीठा आम है, खट्टा नहीं खिलाना है उसको, मीठा वाला आम खिलाओ, जामुन खिलाओ, ऐसे जितने तरीके के अवेलेबल फ्रूट मिल रहे हैं वो फ्रूट में से एक एक सेब का एक टुकड़ा, पपीते का एक टुकड़ा, ऐसा एक एक टुकड़ा एक आधा आधा घंटे से उसको खिलाओ, ऑटोमेटिक उनके हार्मोन्स बढ़ने चालू होंगे और इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी। दोपहर में जो है उसको सिर्फ हरी पत्तियाँ खिलाना है, जैसे कि मैंने बताया था कोतम्बीर, पुदीना है और पालक के पत्ते हैं और मूली के पत्ते। अगर ये भी हरे पत्ते नहीं मिल रहे हैं हकीम साहब तो क्या करें? अगर हमारे घर में ककड़ी है, गाजर है, प्याज है, टमाटर है, ये खिला सकते हैं क्या? जी बिल्कुल खिला सकते हैं, ये 4 चीज़ें भी खिलाएंगे। एक है ककड़ी, गाजर, टोमेटो और प्याज, ये 4 चीज़ें भी खिलाएंगे। 4 पत्तियां नहीं मिली हैं, ये 4 चीज़ें खिलाएंगे, बहुत बेहतर रहेगा। 2 से 3 दिन में खुद मरीज़ बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना वगैरह
बना के दे दो या जो है वो मुझे भी दे दो, तो आपको खुशी होगी। ये पैगाम सबको पहुंचाना है। हकीम साहब एक सवाल आपसे, मतलब जो पेशेंट का जो उल्टी कर रहा है, जो उसे कुछ मतलब कुछ भी अगर वो खाता है तो उसे उल्टी हो जाती है, ऐसा आपका कहना है लोगों का, तो मतलब किस वजह से हो रहा है वो, देखिए क्या प्रॉब्लम है? हाँ देखिए, जिसके यानी जो पेशेंट है उसके अंग में इम्यूनिटी नहीं है, हार्मोन्स की भी कमजोरी हुई है, ऊपर से मेडिसिन ले रहा है, तो ऐसी हालत में वो एकदम निडाल होता है और जो भी खाएगा वो उल्टी होती है, यानी उसकी पाचन क्रिया बंद हो गई है। लेकिन जहाँ तक मेरा यानी तजुर्बा है, क्योंकि मैं काफ़ी ऐसे मरीजों के ऊपर इलाज करते रहता हूँ, तो मैं जो जो मरीजों को ऐसे मरीजों को जो फ्रूट खिलाया है, फ्रूट खिलाने के बाद उस मरीज को उल्टी नहीं होती है। और फ्रूट इतना नहीं खिलाना है कि वो परेशान हो जाए, बस बाबा कितना खिला रहा है अब मेरे को उल्टी होगी, इतना नहीं, उसको उसके समाधान के मुताबिक एक एक टुकड़ा खिलाना है। और ऐसा करेंगे तो वो होने वाली उल्टियां जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उल्टी वगैरह नहीं होगी फ्रूट खिलाने से। और कच्चे पत्तियाँ खिलाने से भी उल्टी नहीं होती है, आजमा के देखिए। इसलिए कह रहा हूँ, ये जो हमारी न्यूज़ को जो भी शख्स देखेगा वो अपने दोस्तों को, अड़ोस पड़ोस को फॉरवर्ड करे, सबको शेयर करे और सब तक ये जानकारी पहुँचे, तभी जो है ये महामारी का जो खात्मा होने वाला है कोरोना भगाने के लिए सबकी मदद जरूरी है, सबको ये जानकारी लेना है और एक दूसरे को ये जानकारी पहुँचाना जरूरी है। हकीम साहब ये जो मतलब आप बोले कि जो मतलब उल्टी हो रही है पेशेंट को, इससे कोरोना से उसका कुछ ताल्लुक है या नहीं? देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, यही बीमारी कोरोना है या कोरोना यही बीमारी है ऐसा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तहकीक चालू है रिसर्च करने वाले बड़े बड़े डॉक्टरों की या साइंसदानों की, तो वो बात अलग है। लेकिन आज जो भी चला है उसी को कोरोना नाम दिया है और कोरोना के नाम से ही चल रहा है, हमें उसी टॉपिक पे बात करना है। तो जो भी चला है कोरोना ही है, तो कोरोना के लिए क्या करना है यही मैं बता रहा हूँ। जैसे कि बुखार किसी को आई है तो हम क्या करते हैं, किसी को अगर टाइफाइड हुआ है तो क्या करते हैं, वैसे ये भी मान लो एक कोरोना बीमारी है तो उसको घबराने के बजाय एक उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, डर को निकाल कर अगर हम उस पर ये जैसा बताया हूँ उस पर अमल करेंगे तो जल्द से जल्द जो है सबकी जीत होने वाली है। तो इसमें लोग क्या करें, लोग किस तरह से काम करें, उनके परिवार वाले वो डर जाते हैं कि मतलब ये संक्रमित बीमारी है जो चल रही कोरोना की बीमारी है, ये संक्रमित है, एक दूसरे से छूने से आने वाली बीमारी है, तो इसलिए लोग डर जाते हैं, वो कुछ सोच नहीं पाते कि वो इमीडिएटली हॉस्पिटल को लेकर जाते हैं पेशेंट को, या फिर उनका माइंड नहीं चलता है, तो वैसे वक्त तो पेशेंट के जो परिवार वाले हैं वो क्या करें? वही कह रहा हूँ, जब तक लोगों के अंदर सही जानकारी नहीं है तब तक डर का माहौल है। डर क्यों है, जानकारी नहीं है, जब लोगों के अंदर सही जानकारी पहुँच जाएगी तभी तो डर खत्म होने वाला है। इसलिए हम जो काम कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से डर निकालने के लिए ही जानकारी दे रहे हैं। जब ये जानकारी सब लोगों में पहुँचेगी तो हर एक को जानकारी होने के बाद ही डर खत्म होगा। हर शख्स को सही जानकारी चाहिए और हर शख्स के लिए पैगाम है कि कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, पहले जो बताया है उस चीज़ों पर अमल करिए, फिर देखिए आपको रिजल्ट क्या आता है, डर अपने आप ख़त्म होने वाला है। ऐसे ही डर नहीं ख़त्म होगा, डर को ख़त्म करना होगा। ये ब्लैक फंगस जो बीमारी आ रही है ये सिर्फ जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ही पाई जा रही है, ये किस वजह से और क्यों हो रही है? देखिए फिर एक बार मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। मान लो आप ही के किसी दोस्त को हॉस्पिटल में लेके गए हैं, उसे चाहे बीमार बोले तो वो बुखार है या उसको सर्दी है, तो उसको वहाँ कोविड का जो टेस्ट कराया जाता है वो टेस्ट में फिर बोलते हैं हाँ ये संक्रमित है, तो संक्रमित है बोल के उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाता है और कोविड 19 का वैक्सीन दिया जाता है। और वैक्सीन के लिए भी एक मैं बात बता रहा हूँ कि कोई भी वैक्सीन देने के बाद आदमी को 2 से 4 दिन तक बुखार आती है, उसके बदन में दर्द होता है और वो उसमें फिर वो और घबरा जाता है कि मैंने वैक्सीन लिया था इलाज होने के लिए, ठीक होने के लिए, फिर मेरे को तो 4 दिन हुआ और बुखार आ रही है, मेरा बदन दुख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मेरा डेथ होगा या मैं इसमें से बच नहीं पाऊँगा। तो ऐसा होने के बाद हमारे ही जो सोच के मुताबिक हमारे हार्मोन्स जो है यानी जो गलत चीज़ों को क्रिएट करने चालू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलर्जी,
या फिर उसका साइड इफेक्ट बॉडी पर नजर आना, जबकि साइड इफेक्ट हम खुद हमारे सोच से बॉडी में पैदा कर रहे हैं, या तो वो ट्रीटमेंट के दौरान हम घबरा कर जो पैनिक के माय इस वजह से जैसे थिंकिंग करते रहते हैं वैसा हमारे बॉडी पे वो रिएक्शन होते रहता है। इसीलिए एक बात और भी बताता हूँ, इसको अगर इल्म के नज़रिए से देखेंगे या फिर इबादत के नज़र से देखेंगे तो सही बुखारी में सबसे अव्वल हदीस है कि तुम्हारा अमल का दारोमदार तुम्हारे नियत पर है। तो जैसे हमारी नियत होगी वैसे ही हमारा अमल होगा। तो बीमारी के लिए भी वही चीज़ है कि अगर हम दवा ले रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि भैया ये दवा से तो मेरा इलाज मुमकिन नहीं है, तो बताइए कैसे इलाज होगा और मरीज़ कैसे ठीक होगा। शुक्रिया हकीम साहब जानकारी देने के लिए हमारे चैनल में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ.